वेलकम ऑल, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इसका पार्ट 2 है, विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें हमें ये टॉपिक में ये करना है कि ऐसा क्या है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक तार से दूसरे तार तक। जिसमें हम पहले देखेंगे क्या लिखा है इसमें, जल के प्रभाव से सदृश आधार पर विचार करते हैं। जैसे कि जल प्रभाव करता है उस पर हम इस पर विचार करते हैं। किसी कॉपर की तार से आवेश स्वयं प्रभावित नहीं होता, ठीक वैसे ही किसी आदर्श क्षितिज नली से जल प्रभावित नहीं होता। ठीक है, कॉपर की तार पड़ी उससे तो करंट आवेश चार्ज फ्लो नहीं करेगा। वैसे ही अगर कोई टैंक रखा है उसमें से जल प्रभावित नहीं होता है, पर उस अगर टैंक में एक पाइप लगा दी जाती है और उससे ऊंचे लेवल पे रखा जाता है टैंक को, तो नीचे वो थ्रू ग्रेविटी से सारे सारा जल फ्लो कर जाता है नल से, अगर नल खुला है। तो इस तरह से किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल का कोई भूमिका नहीं होती है। आवेश के प्रवाह के लिए गुरुत्व बल की नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन केवल तभी करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर हो, मतलब विद्युत दाब में पोटेंशियल डिफरेंस में कोई डिफरेंस हो। इस डिफरेंस को कहते हैं विभव विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विभव में ये अंतर एक या एक अधिक विद्युत संबंधी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ओके, ये पोटेंशियल में, ये पोटेंशियल में ये जो डिफरेंस आता है, ये विद्युत सेलों में बनी बैटरी, विद्युत सेल, सेल सिंगल सेल और बैटरी होती है, तीन या दो एक एक से अधिक सेलों को बैटरी कहते हैं। तो उनके बीच में जो केमिकल होता है, उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, उससे ये विभवांतर उत्पन्न होता है। किसी सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनल के बीच में विभवांतर उत्पन्न कर देती है। तो ये विभवांतर किससे उत्पन्न होता है? रासायनिक अभिक्रिया से। सेल में एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है, उनमें अलग अलग केमिकल रखे गए होते हैं। उस केमिकल से उसमें इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रभाव होता है। ऐसा उसी समय होता है जब कोई, जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। ठीक है, जब हम उसको ऑफ करके रखा होता है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो उसमें वो डिफरेंस विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अथवा अवयव से संयोजित करते हैं तो उसमें विभवांतर उस चालक के आवेश में गति ला देता है। ओके, जैसे हम उसे ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उस विभवांतर में गति, आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। ओके, ये विद्युत धारा बनाए रखने के लिए उसके अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है उसको खर्च करता है। ओके, किसी धारावाही विद्युत परिपथ से दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा प्रवेश करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ओके, अब विद्युत विभवांतर क्या होता है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने जाने के लिए जो कार्य किया गया है एकांक आवेश को, मतलब एकांक आवेश क्या होता है? वन कुलम आवेश को यहाँ से एक बिंदु दूसरे बिंदु लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभवांतर कहा जाता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये रहा विभवांतर होता है वोल्ट, इसको वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और किया गया कार्य है वर्क और इसके अपॉन क्यू आवेश। तो किया गया कार्य है वर्क, किया गया है एक कूलम क्यू को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में लाने के लिए, इसे कहते हैं वी से वोल्ट से डिनोट करते हैं। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, इसे इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टो के, वोल्टा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, वोल्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स पे जो हमारे चार्जर होते हैं उन पर लिखा होता है 5 वोल्ट 1 वोल्ट करके, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। उसमें यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु दूसरे में लाने के लिए एक जूल का कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक वोल्ट होता है। अतः 1 वोल्ट को हम इसे परिभाषित करेंगे, परिभाषित इसकी परिभाषा ये होगी कि यहाँ से ले लेंगे हम इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा यहाँ से आई, एक जूल यहाँ से किसी विद्युत धारा धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को, एक मिनट, हाँ
यहाँ से फिर से लेंगे इस पॉइंट से किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने तक में एक जूल का कार्य किया जाता है तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। यह 1 वोल्ट की होगी है। और विभवांतर को माप एक यंत्र द्वारा किया जाता है, इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ओके, वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं के पार्श्व में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। ओके, अब इसमें एक न्यूमेरिकल ले लेंगे। न्यूमेरिकल 12 वोल्ट विभवांतर की दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। अब हम इसमें फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला जो हमारे पास था, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। तो हमारे पास वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट है। कूलम का चार्ज कितना दिया गया है हमारे पास, क्यू कितना है, 2C। तो हम इसे ऐसे ले लेंगे। और वर्क डन क्या आएगा फिर हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू वोल्ट इंटू क्यू। तो 12 वोल्ट इंटू क्यू इज इक्वल टू 24 आएगा। और वर्क डन है तो इसको जूल लेंगे। जूल होता है वर्क की SI यूनिट। इस तरह हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आशा है आपको ये समझ आया हो। विभवांतर और विभव,